सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो तुम लोग? वे सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे? जल्दी से लिखो कमेंट में हम ठीक ठाक हैं। अच्छा, सो सीन ये है कि तुम लोग काफ़ी लोग कमेंट्स में ये कह रहे थे, काफ़ी कमेंट बुक भरा पड़ा इस बात से कि यार हम लोग जब ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं या गेम खेल होते हैं तो जब हम ग्रेनेड को पिक करते हैं या हम चार्ज बस्टर पिक करते हैं, कुछ तो कहते हैं AWM पिक करते हैं, तो माउस ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। मतलब कि माउस को ख्वाब आता है अनलॉक होने वालों, अनलॉक हो जाता है और तुम लोग को बंदा मार के चला जाता है। तुम लोग मुँह देख रहे होते हैं, यार ये क्या हो गया मेरे साथ? और ये बात मेरे साथ कल हुई है। अब मुझे सीन था कि ग्रेनेड का तो मुझे आइडिया था कि ऐसे हो रहा है, तो मैं ग्रेनेड यूज़ ही नहीं कर रहा जब से अपडेट आया गेम लूप वालों ने। पता नहीं क्या अपडेट दिया है, आई थिंक ये एक बग्स है जो गेम लूप ने इतनी जल्दी अपडेट दे दी है, हैरानगी की बात है। सो वो बग्स फिक्स करना भूल गए हैं, तो हमने उनको याद दिलाना है। और कैसे याद दिलाना है ये मैं तुमको वीडियो के एंड में बताता हूँ। अब हो क्या रहा है कि जब हम चार्ज बस्टर यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिकली माउस अनलॉक हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। ऐसे ही ग्रेनेड के साथ होता है, ग्रेनेड जब हम यूज़ करते हैं तो ऐसे ही माउस अनलॉक होता है और वहाँ पर रुक जाता है। इसका एक हाल मैं तुझे बता सकता हूँ, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। अगर उससे ना सॉल्व हो तो मैं तुम लोग को एक और ट्रिक बताता हूँ। तो होता है कुछ है कि ट्रेनिंग ग्राउंड में ऐसा होता है कि जब तुम लोग फायर करते हो एडम को, तो ऊपर जो एक डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा होगा वो जो है वो ओपन हो जाता है। मैं तुम लोग को ये अपडेट वाली वीडियो में बता चुका हूँ, बट तुम लोगों ने वीडियो ध्यान से नहीं देखी। अब तुम लोग को जब फायर बटन को क्लिक करते हो यानी एडम को गोली लगती है, तो तुम्हारा जो ऊपर वो उसका एट्रीब्यूट्स वगैरह जो भी रिजल्ट है वो ऊपर शो हो रहा होता है, और शो होने के बाद जैसे ही वो शो होता है तो ऑटोमेटिकली माउस अनलॉक हो जाता है। अभी स्मार्ट की डिटेक्ट कर लेते हैं, अभी कोई बग है जो फिक्स करना है गेम लूप वालों ने। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ये कि तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि तुम लोग जो एक दफ़ा की मैपिंग को ऑन करो और देखो जब तुम लोग का माउस अनलॉक होता है तो कौन सी कीज़ जो है वो अनलॉक जो हो जाती है और कौन सी चीज़ तुम्हें डिस्प्ले पर नज़र आती है। जो कीज़ भी तुम्हें डिस्प्ले पर नज़र आनी शुरू हो जाती हैं जो हिडन होती हैं, यानी वो शो हो नहीं रही होती, जैसे माउस अनलॉक हो वैसे वो हाइड हो जाती हैं या तुम लोग को नज़र आने लग जाती हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तुम लोग को डिटेक्ट करना है, खुद फाइंड करना है कि वो कौन सी है और उसको चेंज कर देना है। यानी उसको जैसे शिफ्ट है, अगर वो जो नज़र आता है तुम लोग उसको क्लिक करो और जो नया शिफ्ट का बटन तैयार कर दो, उस जगह पे वो बटन ना तैयार करो। सो इससे तुम्हारा प्रॉब्लम जो सॉल्व हो सकता है तकरीबन काफ़ी हद तक। बट अगर इससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता तुम लोग एक काम कर सकते हो, हम लोग डायरेक्ट गेम लूप वालों से बात करेंगे। मैंने याद है तुम लोगों को मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह तुम लोग जो गेम लूप वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं देखे तो यार यहाँ पर लिंक शो हो रहा है, आई बटन पर भी शो हो रहा है, जाके उसको वॉच करो, तुम लोगों को पता चलेगा किस तरह तुम लोग गेम लूप वालों से बात कर सकते हो और गेम लूप वालों को जाके उनको ठोको तालियां, ठोको भाई ठोको ठोको उनको बताओ कि यार ये बग है, स्क्रीनशॉट लो और जाके उनको मैसेज करो, जो इंग्लिश में करना उर्दू में करना तुम्हारी मर्जी है, उनको कहो कि यार ये बग है इसको फिक्स कर दो, तो सिंपली वो तुम्हारी बात मानेंगे और उस बग्स को फिक्स कर देंगे। मैं भी जो है वो आज इंशाल्लाह जो ट्राई करूंगा, जो उनको मैसेज करूंगा कि यार ये बग है चार बस्टरीज पे इस पे, तो इंशाल्लाह वो जल्दी इसको सॉल्व कर देंगे और हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। बाकी जो है अगर कोई और मसला हो तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग बता देना, उसके बारे में तुम लोग को बता दूंगा। और रेजिडेंट के बारे में एक भाई पूछे थे, तो उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। सो बाय। हाँ यार, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है।